चलो तुम्हें लेके जाना है, एक दो और तुम तीन। आज हम हमारी तीनों बकरियों को प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए लेके जा रहे हैं। किधर जा रहा हूँ वो हॉस्पिटल भी बताऊंगा, हॉस्पिटल का नाम भी बताऊंगा, क्या चार्जेस लगे सब बताऊंगा आप लोगों को। बस बने रहिए कहानी के साथ। एंट्री हो रही है यहाँ पे, मालक मोहसिन खान। देखो ना यहाँ पे गाय को भी लेके आए। गाँव कौन सा? ब्यूरी। ब्यूरी का ब्यूरी। हाँ ब्यूरी का, पूना वालों के लिए बहुत जबरदस्त जगह है ये। सवेरे के 8 बजने आ गए और हमारी गुड मॉर्निंग हो चुकी है। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मैं अपनी पानी की बोतल ढूंढ रहा हूँ यार, और जिम जाने की तैयारी हो रही है हमारी। हमारी जहाँ तैयारी हो रही है फार्म जाने की। अभी जस्ट फिल करा मैंने पानी का बोतल, हाँ यहाँ रख दिया। बस ये लेके जा रहे हैं हम, जिम नहीं जा रहे हैं हम, फार्म पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्यों जा रहे हैं इतने सवेरे सवेरे फार्म पे, बने रहिए कहानी में पता चल जाएगा। आओ क्या अम्मी, कुछ भूल तो नहीं गया? गड़बड़ में तो कभी कभी इंसान चीज़ें भूल जाता है, और गड़बड़ में इंसान कभी कभी ऐसी चीज़ें भूल जाता है कि उसे फिर उसका पछतावा होता है। भाई साहब 8:52, मतलब 1 घंटे से भी पहले 7:55 पे हम घर से निकले थे, और यहाँ पे 8:52 पे हम लोग पहुँच गए। भाई साहब हमारी इनोवा कार में, समझ रहे हो तुम लोग कितना जल्दी आए हम लोग। यही वजह से आप लोगों को बोलता था कि जब मैं खलीफा पे आया करता था फार्म पे, तो 45 मिनट्स में मैं फार्म पे पहुंच जाया करता था। और अब मुझे याद आया कि मैं जब वो टाइम पे ना सवेरे सवेरे आया करता था, अब आते वक्त मेरे दिमाग में यही ऐसी ऐसी चीजें चल रही थी। ड्रास्टिक चेंजेस देखने मिलने वाले भाई साहब आप लोगों को, ड्रास्टिक चेंजेस। चलो अभी आपको बताते हैं हम फार्म पे जल्दी क्यों आए हैं। पहले ये गाड़ी लगा दे सही से, और अंदर क्यों लिए ये गाड़ी सब पता चलेगा आपको, बने रहिए कहानी के साथ। बट एक बात की गारंटी है, ड्रास्टिक चेंजेस आने वाले। चलो तुम्हें लेके जाना है, एक दो और तुम तीन। आज हम हमारी तीनों बकरियों को प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए लेके जा रहे हैं। ये चीज हमें कब से करनी थी भाई साहब, ऐसा समझ लो कि पिछले 3-4 महीने से हमको ये करनी थी, मगर आज इसको हम अमल में लेके आ रहे हैं। ये चीज को हम जो है ना, बकरी जब मेटिंग हो जाती है उसके 1 महीने बाद हम कर सकते हैं, तो इनको काफी टाइम हो गया है। मगर वो सही वक्त बोलते ना, वो सही वक्त नहीं आ रहा था, वो आज सही वक्त आ गया। वो जब मेरी वहां पे बात हुई तो उन्होंने बोला कि सवेरे सवेरे आना है आपको, तभी ये चीज हो पाएगी। तो उस वजह से हम फार्म पे जल्दी आए हैं। हमारी दोनों टोकन और हमारी अल्पाइन, इन तीनों का जो है आज प्रेगनेंसी टेस्ट होगा। इससे फायदा ये होगा, अगर ये प्रेग्नेंट है नहीं है हम लोग इस चीज से कंफर्म हो जाएंगे, और जो हमारे 3 महीने वेस्ट होते हैं ना, वो 3 महीने हमारे वेस्ट नहीं होंगे, हमारा वक्त बचेगा, और हम इंशाल्लाह ब्रीडिंग सेटअप में सक्सेसफुल होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह की रजा के सिवा कुछ नहीं होगा, बस हम जो है हमारे तरफ से 100% देते रहेंगे। लेट्स सी कि क्या रिपोर्ट आती है, तुम लोगों को रिपोर्ट भी बताऊंगा मैं। किधर जा रहा हूँ वो हॉस्पिटल भी बताऊंगा, हॉस्पिटल का नाम भी बताऊंगा, क्या चार्जेस लगे सब बताऊंगा आप लोगों को। बस बने रहिए कहानी के साथ। मैंने बोला था ना अपने को, जो अपना फार्म है ना फुल्ली ब्रीडिंग सेटअप बनाने का, फुल्ली फुल प्रूफ ब्रीडिंग सेटअप बनाने का। देखो सुबह सुबह का मंजर, तुम लोगों ने सुबह सुबह कभी देखे ही नहीं ना फार्म। मैं ही नहीं आता था, मगर भाई साहब बहुत खतरनाक ड्रास्टिक चेंजेस होने वाले हैं, इसकी तो गारंटी मैं दे रहा हूँ आपको। बहुत खतरनाक ड्रास्टिक चेंजेस होने वाले, देखना तुम। 9:03, तीनों को लोड कर दिया है गाड़ी में। हालत क्या हो गई लोड करते करते, अल्हम्दुलिल्लाह। ये भाई देखो अपनी कार है ना, कार का ये फायदे भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। तीनों जानवर अपने गाड़ी में आ गए, अब जा रहे हैं यहाँ से। घर से अपने कुछ 60-65 किलोमीटर था वो, अभी यहाँ से मेरे को लगता है 25-30 किलोमीटर तो होगा। तो देखते कब तक पहुंच पाते हैं, कम से कम मुझे लगता है 1 घंटे में तो पहुंचेंगे। देखता अभी मैं मैप लगाता हूँ, यहाँ से 29 किलोमीटर दिखा रहा है हमको, और 1 घंटा दिखा रहा है पहुंचने में। फटाफट पहुंच जाएंगे, और थोड़ा यहाँ से बाहर निकलने तक की दिक्कत है। एक बार बैंगलोर हाईवे पकड़ लेंगे ना, तो फिर वहां से फटफट पहुंच जाएंगे। यहाँ से बाहर निकलते निकलते ही आधा घंटा लग जाएगा आई गेस। 10:11 एंड फाइनली वी आर हियर। देखो आते अंदर, जल्दी जल्दी काम पटाते है, और क्या प्रोसीजर रहती है, मैं तो एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। अभी अपनी है ना दो फीमेल तो दूम हिला रही थी, मेरे को लगा अभी ये तो हीट पे, ऐसा लग रहा मेरे को। एंट्री हो रही है यहाँ पे, मालक मी मोहसिन खान। मोहसिन नहीं नहीं, ब्यूरी, अपने फार्म का एड्रेस ब्यूरी गांव। देखो ना यहाँ पे गाय को भी लेके आए, पूना वालों के। हाँ गांव कौन सा? ब्यूरी। ब्यूरी का ब्यूरी। हाँ ब्यूरी का, पूना वालों के लिए बहुत जबरदस्त जगह है ये। अपने एक भाई ने ही बताया अपने को, हाँ शेरड है, तीन है, तीन बकरियां लाए ना। सब वो डिटेल्स यहाँ पे फिल हो रही है। मोबाइल नंबर? हाँ मोबाइल नंबर देता हूँ, 9096 9096 74 74 7272
72 हाँ, ये अपने फार्म का नंबर। हाँ, पहले आला है तुम्ही का? नाही नाही, फर्स्ट टाइम है। ओपीडी इथे आहे, शिपाई डॉक्टर तिथे असतात बघा। शिपाई डॉक्टर, ओके। हे सगळं क्लिनिक एरिया आहे। ओके, मला वाटतं बहुतेक माळी सरांच्याकडे असेल तुमचं। हो, माळी सरांकडे। ह्या बाजूलाच बघा, या बाजूला ना। पहिले इकडे जायचं का इकडे जायचं? पहिलं तर कसं, केस पेपर करायचं? केस पेपर काढायचं पहिले। इकडे थांबला केस पेपर काढायलाच चालते। ओके, तो जिधर पे अपने को ट्रीटमेंट कराने का वहां पे हम लोग गाड़ी लगाएंगे और लेफ्ट साइड में जाके वहां पे हम लोग केस पेपर बनाएंगे। केस पेपर कितने का बन रहा है, क्या बन रहा है, वो भी बताते हैं आपको भाई। ये ना एक कॉलेज है प्रॉपर, यहाँ पे डॉग्स वगैरह भी काफी आए। ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है अपने यहाँ का। अपना घर जिधर है ना, अपने घर के पास भी एक है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मगर वो इतने बड़े पैमाने पर नहीं है, छोटे पैमाने पर। ये देखो डॉग्स को ले गए अपने। ये रॉटवीलर है ना? रॉटवीलर अपने को डॉग्स का ज्यादा मालूम नहीं है। चलो केस पेपर निकालता हूँ। इधर है भाई केस पेपर ओपीडी के पास। यहाँ पे आके अपने को केस पेपर निकालने का, कितने का केस पेपर होता है बताता हूँ। चलिए भाई साहब, अपने तीन केस पेपर रेडी हो गए। अपनी तीन फीमेल्स है ना, उसके लिए अभी वो जो रॉटवीलर्स थे ना, वो लोग भी सोनोग्राफी के लिए आए। उनका 850 रुपये एक डॉग का सोनोग्राफी का, और अपने तीन बकरियों का 540। अल्हम्दुलिल्लाह, तो तीन बकरियों का अपना 540 में सोनोग्राफी होने वाला है। देखते हैं अभी आगे का एक्सपीरियंस अलग है। यहाँ के जो डॉक्टर है ना, जो सोनोग्राफी करेंगे, उनका नंबर ऑलरेडी मेरे पास था। मेरी उनसे कल ही बात हो चुकी थी, उस हिसाब से हम लोग आज आए हैं। उन्होंने मेरे को कल ही बोला था कि भाई तुमको सवेरे सवेरे आना पड़ेगा। मैंने उनको पूछा था 12:30-1 बजे तक आ सकते हैं, तो उन्होंने नहीं, सवेरे सवेरे आना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग सारी चीज़ें स्किप करके पहले यहाँ पे आए ये चीज़ करने के लिए। लेट्स सी, देखो तीन केस पेपर निकाल लिया, आगे क्या होता है। सर डॉक्टर माली वो आगे वाला, इधर वाला देखते। चलो चलो भाई साहब, केस पेपर दे दिया हमने, यहीं पे है अपनी गाड़ी, यहाँ पे लगा थी। खोल दो बेटा, अंदर लेके जाते हैं। लॉक कर जा। यहाँ पे देखो सब फोटो सेशन चल रहा है। ये देखो सिर्फ फोटो सेशन चल रहा है भाई साहब। जो हमारा काम के लिए हम आए थे, हम वो काम तो हो गया, मगर माशाल्लाह ये लोगों ने पूरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ले लिए। सब लोग इनके साथ फोटो सेल्फी चालू, और मैंने किसी को रोका नहीं है, सबको लेने दिया। अभी भी वही चालू है। हाँ, करते रहो। ये देखो, एक चीज़ की खुशी हुई मेरे को यहाँ पे आके, क्या कि जितने भी अपने यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, सब यंगस्टर्स जो आने वाले वक्त के डॉक्टर होने वाले, सब वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो ऑल लोडेड। मोनू कैसा रहा एक्सपीरियंस? एकदम मजेदार ना? मोनू बोलता भाई अभी अपना टेंशन खत्म हो गया ना। बोला हाँ अभी अपन रिलैक्स हो गए। कैसे रिलैक्स हुए तुमको बताता हूँ, रुक जाओ जरा, सबर करो, पहले फार्म पे बढ़ते हैं। भाई देख, तेरे को नाश्ता करा देता हूँ अभी। इसको नाश्ता कराना पड़ेगा, मेरे को आदत है दोपहर के 3-3, 4-4 बजे तक भूखा रहने की। इसको करा देते, नहीं नहीं तू नाश्ता कर ले। नहीं नहीं कर ले भाई, कर ले। वैसे भी खुश हूँ मैं बहुत, बताते हैं आपको, आपको भी जानना है मुझे पता है। वेट करो, सबर करो, थोड़ा बताते हैं। 1 बज गया आते आते, काफी लेट हो गया है। रास्ता ही भटक गया, मैं तो एक रास्ता भटक गया, उसके से लेट हो गया। अगर रास्ता भटकते ना, यहाँ पे 12:30-12:15 तक पहुंच जाते हैं हम। रास्ता भटकने की वजह से लेट हो गया। इंसान जिंदगी में रास्ते हमेशा भटकते रहता है, मगर वो सही रास्ते पे फिर से आ जाए ना, वो बहुत बड़ी बात होती। तो हम हमारे सही रास्ते पे आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। गाड़ी का हाल देखो, इसमें घर वालों से ज्यादा जानवर ने ट्रेवल किया है। क्या बढ़िया था गुरु। और उसके लिए मैंने कितनी बार बातें भी सुनी है। चलो सुसु ब्रेक गाइस, फ्रेश हो जाते हैं। चलो भाई जानवरों को देख लेते हैं हम एक बार। आ गए अपने अपने केज में, ये दोनों यहाँ पे, ये यहाँ पे। इन तीनों को ही तो लेके गए थे हम लोग। बेटा तुम जल्दी भारी हो जाएंगे, टेंशन नहीं। मैंने बोला था ना आप लोगों को, एक बकरी जो है मेरे को 90% लग रही है कंफर्म, बाकी दो का जो है उसका डामाडोल मामला। मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जो गए, उससे ये फायदा होगा कि हमारे को पिक्चर पूरी क्लियर हो चुकी है, कौन सी बकरियां गाबन है, कौन सी बकरियां खाली है। हमने जो तीन लेके गए थे उनकी बात कर रहा हूँ मैं। उनमें से वो तीनों जो है, वो तीनों भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह गाबन है, और उन्होंने तो नंबर्स भी बताए कि कौन सी बकरी में कितने बच्चे हैं। वो थोड़ा रहने दो यार, वो थोड़ा सा रखते हैं प्राइवेट। बाकी ये चीज है कि तीनों बकरियां जो हमने लेके गए थे आज प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए, वो तीनों की तीनों गाबन है अल्हम्दुलिल्लाह। जमजम की भी मीटिंग हो गई, अजवा की भी मीटिंग हो गई। इंशाल्लाह पूरे 40 दिन हो जाने दो इनकी मीटिंग डेट को, फिर हम इनको भी है ना प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए लेके जाएंगे। ये चीज है ना बहुत जरूरी है, जो हम ब्रीडिंग कर रहे हैं उसमें, इसमें हमारे जो महीने बर्बाद होते हैं ना, वो महीने इंशाल्लाह बर्बाद नहीं होंगे। चलो इनका वक्त तो आएगा, जब आएगा आपको पता चल जाएगा। फिलहाल कैफा और वर्षा का वक्त बहुत करीब है, इंशाल्लाह दुआ करना सारी चीजें आफियत के साथ हो। अपना अभी है ना मेन एम है अपना ब्रीडिंग सेटअप, अपना एग्जॉटिक का भी और अपना कोटा ब्रीडिंग सेटअप भी, ये दोनों पे पूरा पूरा ध्यान देने का। ओए मुफासा, खाते पीते रहो, एंजॉय करो, एंजॉय। हाँ माशाल्लाह, देखो अव्वल को देखो।
माशाल्लाह। आपने जो खस्सी है ना, ये खस्सी इतने ही रहेंगे, और ये फर्स्ट टाइम और ये लास्ट टाइम ये खस्सियों का बाड़ा रहेगा। मतलब कि इसके आने वाले साल नो मोर खस्सी का बाड़ा। चलो सारे जानवर अलहमदुल्ला सब सेट है, ठीक है। अब हम यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। आज हमारी मॉर्निंग शिफ्ट थी ना, तो अब हम नहीं रुकेंगे यहाँ पे, अब हम निकल जाएंगे। और बगर कुछ चीजें है वो बता के निकलेंगे। देखो ना, कल मोगली ने कितना खेला है। देखो यहाँ पे हमारा कोटा ब्रीडर यहाँ पे रात में अंदर जाता है और फिर दिन भर बाहर रहता है यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे दो खूटे भाई साहब, एक ये और एक और जिसपे बंधा है वो। चलो मैं थोड़ा निहार लेता हूँ इसको, ये भी जल्दी से जल्दी बनाना है, फिर अपने फीमेल सब आना शुरू हो जाएंगे कोटा के। ये सब उनके लिए तो बना है। 2:35 एंड लुक हू वी फाउंड। बच्चे लोग मिल गए यार अपने घर के पास ही, स्कूल के पास ही। और अपने घर से स्कूल कितनी दूर है, 5 बाय वॉक। ये टाइम बहुत जबरदस्त है यार, अपन लोग आ भी गए घर पे अल्हम्दुलिल्लाह। क्या इतने जल्दी देख के मेरे को खुशी। अरे वाह 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 भाई साहब, ये टाइम बहुत जबरदस्त है यार, सोचना पड़ेगा कुछ। करते हैं मैंने बोला ना, बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस आने वाले। लो जी, हमारे दिन की पहली मील इज रेडी। हमारा 3 अंडों का ऑमलेट नहीं, भुर्जी, हाफ फ्राई भुजरी, हाफ फ्राई भुजरी, हाफ फ्राई, हाफ फ्राई भुज। हाफ फ्राई भुर्जी ये रही। आज मैंने शायद ग्रीस खा लिया, इसके लिए मेरी जबान सटक सटक जा रही। फर्स्ट मील खा रहे भाई, कोई ग्रीस वीस नहीं है, बस जबान सटक रही है हमारी। बिस्मिल्लाह। 3:20 दीजिए हमारा एयरपोर्ट, थैंक यू, वेलकम। चलो भाई, हम तो निकल रहे जिम के लिए। अरे सीट बेल्ट, चलो जैकेट नहीं पहना हुआ, आज बहुत गर्म हो रहा है यार। बारिश गिरेंगी, कब गिरेंगी ये मालूम, मगर गिरेंगी। चलो फटाफट जाके अपना वर्कआउट फिनिश करते। अपना आज है क्या, अपना है आज लेग्स एंड शोल्डर, लेट्स गो। गड़बड़ में हो गया ना लफड़ा, वॉच ही भूल गया घर पर मैं यार, एयरपोर्ट भूल गया तो मंगा लिया, वॉच भूल गया तो भूल ही गया। आज हमारा फिर एक्टिविटी रिकॉर्ड नहीं होएगा, मगर एक्टिविटी दबा के करेंगे। क्या गर्दी रे बाबा, हो गया जैसे तैसे करके वर्कआउट खत्म कर दिया, और गर्म गर्दी से ज़्यादा गर्म। चलो भाई, हमारी धन्नो तो हमारा वेट कर रही है, धन्नो वेट कर रही है, और अपनी बाइक भी रेडी हो चुकी है। जब मैं फार्म पे से घर आ रहा था, तब मेरे को शोरूम से फ़ोन आया था कि भाई आपकी गाड़ी बाइक जो है रेडी हो चुकी है, आप आके लेके जा सकते हो। तो मैंने बोला लेकी और पूछ आ रहा हूँ मैं, मगर वर्कआउट वगैरह सब कुछ करने के बाद अभी जाएंगे पहले घर, फिर फ्रेश वेश होंगे, उसके बाद जाएंगे अपनी बाइक लेने शोरूम से। तो चलो ये ब्लॉग को यहीं तक रखता हूँ, नहीं तो ये ब्लॉग है ना खिचड़ी ब्लॉग बन जाएगा, सब एक साथ मिक्स हो जाएगा। ये ब्लॉग को यहीं तक रखता हूँ, अगला ब्लॉग घर पे जाने के टाइम स्टार्ट करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। टिल देन स्टे सेफ, पीस, हास्ता ला वीस्ता, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड गुड बाय। गाड़ी में बहुत बहुत बास आ रही है भाई, इतनी बास है कि तुमको क्या बोलूं। कल इसको धुलवाना पड़ेगा, क्यों मालूम, क्योंकि कल एक्शन वाली दुनिया में भी तो जाना है। मोनू ने साफ किया पूरा, मगर वो बास जो है ना बैठ गई नहीं थी। कल करेंगे, कल बहुत बास है, बहुत हद से ज़्यादा। चलो अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड गुड बाय। मैं जाता हूँ बाइक लाता हूँ, उसके लिए नाम भी सजेस्ट कर डालो। अगले वाले ब्लॉग में करके तो चलेगा, मगर आज का वीडियो कैसा लगा बता दो।